जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी ऋषि शनिपीठ मंदिर से आप सभी व्यूअर्स का हमारे इस चैनल गुरु रजनी शिशि जी के मासिक राशिफल के प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां हम चर्चा करने जा रहे हैं जुलाई 2021 के मासिक राशिफल की। जुलाई 2021 में एक दो नहीं बल्कि चार मुख्य ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिनका प्रभाव आपके जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ने वाला है। फिर चाहे वो आपकी जॉब हो, इनकम हो, भाग्य हो, आपके एजुकेशन हो, आपका स्वास्थ्य हो, फैमिली के साथ रिलेशंस हो, लव लाइफ हो, हर चीज पर आपके जीवन में इनका प्रभाव पड़ने वाला है, जिसकी हम लोग विस्तार से चर्चा आज के इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। यहां पर मैं आपको एक ऐसा विशेष उपाय भी बताऊंगा जो कि जुलाई 2021 को आपके लिए बेहतरीन महीना साबित कर सकता है। तो आशा करता हूं आप अंत तक हमारे इस प्रोग्राम में बने रहेंगे। जो पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, उनसे मेरा निवेदन होगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का निशान दबाकर, यानी कि घंटी का आइकन दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब विलंब नहीं करते हैं और प्रारंभ करते हैं जुलाई 2021 के ग्रह गोचर के अध्ययन के साथ। चलिए भक्तगणों, अब हम लोग यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली का अध्ययन कर लेते हैं। काल पुरुष की कुंडली में जो पहला भाव होता है वो मेष राशि का भाव होता है। अब मेष राशि का ये जो भाव है, ये इस पूरे महीने मुख्य तौर पर सभी ग्रहों से वंचित रहने वाला है। अब जो द्वितीय भाव है वो है वृषभ राशि का भाव, जिसके मालिक हैं शुक्र देवता। यहां पर महीने की शुरुआत में दो मुख्य ग्रह विराजमान हैं, राहु और बुध, जिसमें कि बुध का राशि परिवर्तन 7 जुलाई को हो जाएगा और वो आकर मिथुन राशि में विराजमान हो जाएंगे। अब यहां पर राहु देवता जो हैं वो द्वितीय भाव में इसी प्रकार पूरे महीने विराजमान रहने वाले हैं। अब क्योंकि ये शुक्र का घर है तो यहां पर राहु उनके मित्र ही हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति ही दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करते हैं तृतीय भाव की। तो मैंने बताया कि मिथुन राशि में तो बुध देवता राशि परिवर्तन करके 7 जुलाई को आ ही रहे हैं। यहां पर सूर्य देवता महीने की शुरुआत में अपने मित्र के घर में ही विराजमान है, क्योंकि सूर्य और बुध में मित्रता है, तो यहां पर ये एक अच्छी स्थिति को ही दर्शाता है। इसमें सूर्य देवता इसी घर में अभी कुछ समय तक विराजमान रहने वाले हैं और वो 16 जुलाई को राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में आकर निवास करने लग जाएंगे। इसके बाद अगर हम लोग कर्क राशि को देखें, यानी कि चतुर्थ भाव को देखें, तो चतुर्थ भाव में यहां पर पहले से शुक्र और मंगल ग्रह महीने की शुरुआत से ही विराजमान है। अब इसमें से जो शुक्र हैं वो अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं 17 जुलाई को, वो आकर निवास करने लगेंगे सिंह राशि में, और उनके पीछे पीछे मंगल देवता अपनी नीच राशि कर्क राशि में से निकलकर वो भी आकर सिंह राशि में ही निवास करने लग जाएंगे, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है, विशेष तौर पर मेष राशि और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, जिनकी हम आगे भी चर्चा करेंगे। बस जो यहाँ पर प्रॉब्लम है वो शुक्र देवता के जो राशियां हैं, यानी कि तुला राशि हो गई, वृषभ राशि हो गई, उन लोगों के लिए ज्यादा समस्या है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र और मंगल एक साथ चले जा रहे हैं। इसमें शुक्र एक सौम्य ग्रह है, मंगल एक क्रूर ग्रह है, जो कि शुक्र को परेशान करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर पंचम भाव को भी देख लिया। बात करते हैं छठे भाव की, जिसके मालिक हैं बुध देवता। तो ये मुख्य ग्रहों से इस समय पर वंचित रहने वाला है। ये जो पूरा भाव है, छठा भाव है कुंडली का, ये इस पूरे महीने मुख्य ग्रहों से वंचित रहने वाला है। इसी प्रकार सप्तम भाव भी, जो कि शुक्र राशि, शुक्र की राशि तुला राशि का भाव है, वो भी मुख्य ग्रहों से इस समय पर वंचित रहने वाला है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। तो अष्टम भाव में इस समय पर केतु देवता विराजमान है और वो मंगल के घर में विराजमान है, तो यहाँ पर भी कोई विशेष समस्या नहीं। बात करते हैं नवम भाव की। तो नवम भाव में इस समय पर कोई भी मुख्य ग्रह इस पूरे महीने नहीं निवास करने वाला है। ये मुख्य ग्रहों से ये जो भाव है ये खाली रहने वाला है। आगे हम लोग दशम भाव पर पढ़ते हैं। तो दशम भाव में इस समय पर शनिदेव विराजमान है
ये अपना ही घर है उनका, मकर राशि का भाव है अपना घर है, परंतु यहाँ पर शनि वक्र स्थिति में विराजमान है जो थोड़ी सी अड़चने लेकर आएंगे हर जातक के लिए, हर राशि के जातक के लिए कोई ना कोई अड़चन को वो जरूर लेकर आएंगे, जिसकी हम विस्तार से आगे भी चर्चा करेंगे। अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं कुंभ राशि के भाव में। कुंभ राशि का भाव यानी कि ग्यारहवा भाव, वहाँ पर बृहस्पति देवता विराजमान है, वो भी वक्री स्थिति में है, शनि के घर में है, मित्र नहीं है आपस में, तो इस वजह से वहां पर भी उनको समस्या होती है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं तो बात करते हैं अंतिम भाव की यानी कि बारहवें भाव की। ये मीन राशि का भाव है, ये पूरे महीने मुख्य ग्रहों से वंचित रहने वाला है। तो भक्तगणों, ये था जुलाई 2021 का ग्रह गोचर। अब हम लोग चर्चा करने जाएंगे आपके मासिक राशिफल की। चलिए भक्तगणों, अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि मेष राशि के जो जातक हैं उनकी इनकम की स्थिति यहाँ पर जुलाई 2021 में किस प्रकार रहने वाली है। जब कभी हम ये चर्चा करेंगे तो आपकी कुंडली के हम लोग ग्यारहवें भाव का अध्ययन करेंगे जिसके मालिक हैं शनिदेव, और साथ ही साथ आपकी कुंडली के द्वितीय भाव का अध्ययन करेंगे जिसके मालिक हैं शुक्र देवता। अब पहले हम लोग अध्ययन करते हैं कि ग्यारहवें भाव की क्या स्थिति बन रही है यहाँ पर जुलाई 2021 में। तो जो मालिक हैं शनिदेव, वो तो दशम में आपके कर्म स्थान पर विराजमान है, परंतु वो वक्री स्थिति में इस समय पर विराजमान है, यानी कि आपके आय के स्रोतों से ये एक प्रकार की रुकावटों का यहाँ पर सूचना दे रहे हैं। क्योंकि शनिदेव वक्री हैं तो उनके अच्छे प्रभाव तो अभी आपको नहीं मिल पाएंगे। वैसे तो शनिदेव अपने ही घर में हैं, अगर यही वो शनिदेव मार्गी होते तो आपको निश्चित तौर पर इसके शुभ प्रभाव भी देखने को मिलते, परंतु इस समय पर आपको इसके थोड़े अशुभ प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ मंगल देवता जो कि आपके कुंडली में इस समय पर चतुर्थ भाव में विराजमान है, वो नीच स्थिति में है, और वो 20 तारीख तक इसी प्रकार अपनी इस नीच स्थिति से अष्टम दृष्टि से आपकी कुंडली के ग्यारहवें भाव को देख रहे हैं, वो भी इनकम में किसी प्रकार की रुकावटों का यहाँ पर सूचना दे रहे हैं। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो लोग विशेष तौर पर हॉस्पिटैलिटी, रेस्टोरेंट इत्यादि बिजनेस में हैं, जिसमें आपका कस्टमर्स से सीधे तौर पर इंटरेक्शन होता है, जहाँ पर एक साथ बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, वहाँ पर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी लोगों में थोड़ी हिचकिचाहट है अनलॉक के बावजूद भी। अभी लोग खुलकर बाहर नहीं निकल रहे हैं, जिसकी वजह से आपको अभी पूर्ण रूप से इसका फायदा प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इस स्थिति में तभी सुधार होगा जब मंगल देवता 20 जुलाई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तब वो आपकी कुंडली के यहाँ पर पंचम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, और उनकी पूर्ण दृष्टि आपके यहाँ पर ग्यारहवें भाव में पड़ेगी। वो आपकी लग्न भाव के भी मालिक हैं, तो इससे भी आपको काफ़ी मदद मिलती है। अब यहीं पर अगर हम लोग द्वितीय भाव का भी अध्ययन कर लें, तो यहाँ पर बुध देवता अपनी मार्गी स्थिति में विराजमान है, यहाँ पर राहु देवता भी विराजमान है, शुक्र देवता का ये घर है, तो कुल मिलाकर जो स्थिति है वो ठीक ही है यहाँ पर, यानी कि बैंक बैलेंस पर कोई बुरा प्रभाव इस समय पर दिखाई नहीं दे रहा है, एक यथा स्थिति इस समय पर कायम है। वहीं पर अगर हम लोग मालिक शुक्र का थोड़ा सा अध्ययन यहाँ पर हम उनका भी कर लेते हैं, तो शुक्र देवता इस समय पर मंगल देवता के साथ साथ चल रहे हैं। पहले वो चतुर्थ भाव में विराजमान थे, और जब 17 जुलाई को राशि परिवर्तन कर लिया, उसके बाद भी वो मंगल देवता के साथ ही विराजमान चल रहे हैं। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए अच्छी स्थिति को नहीं दर्शाता है, क्योंकि मंगल और शुक्र में आपस में बनती नहीं है, तो थोड़ी बहुत अड़चने ये चीज़ें उत्पन्न कर सकती हैं। पर मंगल की स्थिति में सुधार होने के बाद यानी कि 20 जुलाई के बाद निश्चित तौर पर काफ़ी जो परेशानियां हैं ये दूर होंगी, क्योंकि लग्न के स्वामी का जो आशीर्वाद है वो आपको पूर्ण रूप से इनकम में दिखाई देने लग जाएगा। हम लोग चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, बात करते हैं कि कर्मों की दृष्टि से आप लोगों के लिए ये जो महीना है जुलाई 2021 का, वो किस प्रकार बना हुआ है। जब हम कर्मों की चर्चा करते हैं तो आपके वर्क प्लेस के हालातों की चर्चा करते हैं, नई नौकरी मिलने की संभावनाओं की चर्चा करते हैं, प्रमोशन मिलने की संभावनाओं की चर्चा करते हैं, और यहाँ पर हम ये भी चर्चा करते हैं कि
आपके यहाँ पर जो हालात हैं वो किस प्रकार हैं, कंड्यूसिव हैं यानी कि आपके लिए फेवरेबल हैं या फिर अनफेवरेबल बने हुए हैं। तो यहाँ पर शनिदेव इस समय पर वक्री स्थिति में विराजमान है, मंगल देवता भी काफ़ी दिनों तक चतुर्थ भाव से अपनी पूर्ण दृष्टि से यहाँ पर देख रहे हैं, वो भी अड़चनों को उत्पन्न कर रहे हैं। तो जैसी स्थिति इनकम में बनी हुई है लगभग वैसी ही स्थिति कर्म स्थान पर भी बनी हुई है। 20 जुलाई तक अड़चनों का सामना करना पड़ेगा, 20 जुलाई के बाद अड़चनों में थोड़ी सी राहत निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। इस समय पर सबसे अच्छा जो आप लोगों के लिए उपाय है वो यही है कि आप शनिदेव को प्रसन्न करने का प्रयास करें। शनिदेव क्योंकि कर्म स्थल और इनकम दोनों के ही मालिक हैं, आपकी आय के भी मालिक हैं, आपकी जॉब के मालिक हैं, नौकरी के मालिक हैं, व्यापार के मालिक हैं। तो जब कर्मों के मालिक ही शनिदेव हैं और इनकम भी उनकी वजह से ही आ रही है तो फिर क्यों ना आप शनिदेव से संबंधित कुछ उपाय इस समय पर कर लें। तो देखिए शनिदेव के लिए जो सबसे आसान सबसे सरल उपाय मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि आप शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं। दिया जलाने के बाद आप वहीं पर नवग्रह मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। नवग्रह मंत्र बड़ा सरल है, ओम श्री ब्रह्म मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति कर भवंतु। इस नवग्रह मंत्र का यदि आप उच्चारण करते हैं तो इसमें निश्चित तौर पर आप सभी नवग्रह देवताओं के साथ साथ शनिदेव को भी साधकर उनको प्रसन्न करते हैं, जिसका सीधा सीधा जो शुभ प्रभाव है वो आपकी इनकम और जॉब दोनों पर दिखाई देना चाहिए। यहीं पर भक्तगणों में आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है और उसके जन्म समय के हिसाब से निर्धारित होती है। इसमें अन्य ग्रह भी अड़चनें उत्पन्न कर सकते हैं और इसीलिए आपकी कुंडली के अध्ययन करने के बाद ही हमें पता लग सकता है कि आपके कार्यों में भले ही फिर वो आपकी इनकम हो, भाग्य हो, जॉब हो, संतान प्राप्ति हो, एजुकेशन हो, जीवन साथी के साथ संबंध हो, हर चीज आपकी जन्म कुंडली से ही निर्धारित हो रही है। तो अगर आप इनमें से किसी भी क्षेत्र में परेशानी को आप महसूस कर रहे हैं तो एक बार अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन जरूर करा के देखें। हमारे सिद्ध शनि मंदिर के गुरु रजनीश ऋषि जी, गुरु मां रुक्मणी जी या मैं स्वयं आप लोगों की कुंडलियों का अध्ययन करके विश्व में 133 देशों के लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। आप भी एक बार स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर अवश्य ही हमसे संपर्क करके देखें और कुंडली अध्ययन करवाने के बाद हमारे द्वारा बताए गए ज्योतिष के वैदिक उपायों को अपनाकर अपने जीवन में आप भी अन्य भक्तों की तरह लाभ पा सकते हैं। तो यहीं पर भक्तगणों में आपकी एक मुलाकात हमारे ही शनि मंदिर के एक भक्तगण से कराने जा रहा हूं जो कि अपनी समस्याओं को लेकर हमसे जुड़े थे और उसके बाद हमसे उपाय प्राप्त करने के बाद उनके जीवन में क्या बदलाव आया, आइए उन्हीं के मुंह से हम लोग सुनते हैं। जय शनिदेव, मेरा नाम परमानंद है, मैं दुबई में जॉब कर रहा हूँ और इसी बीच में लॉकडाउन की वजह से हमारा कंपनी में खतरा हो गया था जॉब का, हमारा नौकरी का, हमारे ही नहीं मेरा डिपार्टमेंट सबको, बहुत लोग काम करते हैं, छोटा कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी है। तो बहुत मुझे भी बहुत तकलीफ हो गई कि मैं इस टाइम में जाऊँगा ये उम्र में तो फिर वापस नहीं आ पाऊँगा। तो गुरु अम्मा को मैंने सूचना दी, गुरु अम्मा ने कहा कि डरो मत, मैं आज रात को ही पूजा कर देता हूँ। फिर रात को मुझे मैसेज भेजी, परमानंद जी मैं पूजा कर रहा हूँ, आज रात को आपके काम पूरा सही हो जाएगा। तो बस एक हफ्ते के बाद मैसेज आया कि किसी का भी जॉब नहीं जाएगा, सब लोग खुशी रहो और अपने अपने काम में रहो, बस कुछ पैसे कट कर दिए हैं सैलरी से 3 महीने के लिए, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा, बस सब लोग खुश हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ कि गुरु अम्मा ने मेरे लिए पूजा किया तो सबके लिए नौकरी बच गया, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। चलिए भक्तगणों चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, बात करते हैं कि भाग्य की दृष्टि से यहाँ पर स्थिति कैसी बनी हुई है मेष राशि के जातकों के लिए। तो जब कभी भाग्यों की चर्चा करेंगे तो भाग्य में मालिक आप लोगों के लिए हैं यहाँ पर बृहस्पति देवता। बृहस्पति देवता की अगर हम लोग स्थिति को देखें तो बृहस्पति देवता इस समय पर वक्री अवस्था में आपकी कुंडली के 11वें भाव में विराजमान है। कहीं ना कहीं ये दर्शा रहे हैं कि भाग्य का साथ ना मिल पाने की वजह से, क्योंकि वक्री हैं बृहस्पति देवता, इस समय पर आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम्स को उल्टा क्रिएट कर रहे हैं।
पैसों का कुछ नुकसान ये समय पर दिखा रहे हैं। विशेष तौर पर अगर आप अपने भाग्य की मदद से अपनी इनकम को क्रिएट करते हैं, यानी कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या जुआ सट्टा इत्यादि में आप इन्वॉल्व होते हैं, या फिर फैंटेसी गेम्स जो जिनका चलन आजकल चल पड़ा है उनमें आप इन्वॉल्व होते हैं, तो पैसों का लॉस होने की संभावना इस समय पर बनी हुई है। तो इस प्रकार की गतिविधियों में संलग्न होना आपके लिए इस समय पर नुकसान का ही सूचक रहेगा। यहीं पर एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि बुध देवता जब अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं 7 जुलाई को, और वो आकर अपनी ही राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर जा रहे हैं, तो उनकी पूर्ण दृष्टि आपके भाग्य के भाव में पड़ती है। अब इसका क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है? वो प्रभाव ये है कि मिथुन राशि के स्वामी बुध, क्योंकि इस समय पर अपने ही घर में पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, तो यहाँ पर वाणी का साथ आपको मिल रहा है, और आपकी बातों से प्रभावित होकर आपके सामने कुछ नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। तो इस समय पर नेटवर्किंग करना, यानी कि अन्य लोगों से संपर्क साधना, अपने नेटवर्क को बढ़ाना, और बिना झिझक उनको रीच आउट करना, उनसे मदद मांगना, आप लोगों के लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। तो इस समय पर अपने सर्कल का विस्तार करने की आप प्रयास करें, वो निश्चित तौर पे आपके भाग्य का वर्धन कर रहा है। चलिए भक्तगणों, चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, बात कर लेते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से आप लोगों के लिए जो मास है जुलाई 2021 का, वो किस प्रकार बना हुआ है। जब कभी ये अध्ययन करेंगे तो आपकी कुंडली के हम लोग लग्न भाव का अध्ययन करते हैं, लग्न के स्वामी का अध्ययन करते हैं, साथ ही साथ आपकी कुंडली के हम लोग छठे भाव का भी अध्ययन कर लेते हैं। अब लग्न के स्वामी तो मंगल है, मंगल की स्थिति के बारे में मैंने आपको बताया कि नीच स्थिति में चल रहे हैं 20 जुलाई तक, तब तक तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा। परंतु एक बार जब मंगल राशि परिवर्तन कर लेंगे, पंचम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, तब स्थिति में एकदम से काफी सुधार हो जाएगा और स्थितियां काफी आप लोगों के लिए अनुकूल हो जाएंगी स्वास्थ्य की दृष्टि से। इसी प्रकार स्वास्थ्य के स्वामी बुध भी जीवन के भाव तृतीय भाव में, यानी कि जो आपकी करेज को दिखाता है, वहां पर आकर विराजमान हो रहे हैं। तो ये भी दर्शा रहा है कि जिन लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स कुछ समय से परेशान कर रही थी, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स में काफी सुधार 7 जुलाई के बाद होगा, और पूर्ण रूप से जो सुधार है वो आपको 20 जुलाई के बाद महसूस होने लगेगा। तो स्वास्थ्य पूरा साथ देगा, बस थोड़ा सा समय आपको और संयम बना के रखना है। चलिए भक्तगणों, चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आप में से कई सारे भक्तगण ऐसा महसूस करते हैं कि आप हमसे कुछ उपाय प्राप्त करें जिसके लिए आपको कोई भी राशि अदा ना करनी पड़े, कोई राशि ना जमा करानी पड़े, और ऐसे ही भक्तगणों की मदद करने के लिए हमारे शनिपीठ मंदिर ने एक ऐप एस्ट्रोलॉजी बाय गुरुजी बनाई है, जिस पर आप हम लोगों से संपर्क साध सकते हैं। संपर्क साधने के लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर का जो लिंक है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां पर चले जाएं। वहां पर जाकर आप हमारी इस ऐप एस्ट्रोलॉजी बाय गुरुजी को डाउनलोड कर लें। इसके बाद आप हमारी ऐप पर जो हमारी मुफ्त सेवाएं हैं, जिनसे हम आप जैसे भक्तगणों की जो कि फाइनेंशियल दौर पर मुख्य तौर पर पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनकी मदद करने का हम लोग प्रयास कर सकते हैं। और आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपनी जो आवेदन है वो हमें उसी ऐप के माध्यम से भेज दें। चलिए भक्तगणों, अब हम लोग चर्चा करते हैं कि यहाँ पर जीवन साथी के साथ जो संबंध है वो जुलाई 2021 में आप लोगों के लिए किस प्रकार रहने वाले हैं। इस चर्चा को करने के लिए हम लोग आपकी कुंडली के सप्तम भाव का अध्ययन करते हैं, जिसके मालिक हैं शुक्र देवता। अब शुक्र देवता इस समय पर मंगल देवता के साथ साथ चल रहे हैं, दोनों में शत्रुता है, जिसकी वजह से आप और आपके जीवन साथी में बार बार तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। ये तनाव की स्थिति कई बार आपके गुस्से के कारण भी उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से आपके जो घर का जो माहौल है, जो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। इसका प्रभाव आपके बच्चों पर भी बुरा पड़ रहा है। तो इस स्थिति में आपको सुधार करने की आवश्यकता है, और विशेष तौर पर
सोच समझ कर ही आप इस समय पर अपने जीवन साथी के साथ किसी बात को करें। अपने गुस्से पर काबू रखना, अपनी जवान पर इस समय पर काबू रखना, अपनी जिह्वा पर इस समय पर काबू रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यही स्थिति आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी बनी हुई है। बार बार असमंजस की स्थिति होने की वजह से, विवाद की स्थिति होने की वजह से आपके जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है वर्क प्लेस पर वो प्रभावित हो रही है। इस स्थिति में तब तक सुधार नहीं होगा जब तक मंगल देवता और शुक्र देवता अलग अलग राशियों में जाकर विराजमान नहीं होते। इसके लिए आपको थोड़ा सा और समय इंतजार करने की आवश्यकता है। पर कुछ समय से जो स्थितियां काफी ज्यादा खराब चल रही थी, अब उसमें निश्चित तौर पर आपको थोड़ा सा लाभ दिखाई देगा 20 जुलाई के बाद, जब मंगल देवता राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी नीच राशि से निकलकर, यानी कि कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में आकर विराजमान हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए ये जो समय है जुलाई 2021 का, वो किस प्रकार रहने वाला है। जब कभी हम लोग स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो आपकी कुंडली के हम लोग पंचम भाव का अध्ययन करते हैं। पंचम के स्वामी आप लोगों के लिए सूर्य देवता है। सूर्य देवता की जो स्थिति है पूरे जुलाई 2021 में आप लोगों के लिए अच्छी ही बनी हुई है, इसमें कोई विशेष परेशानी नहीं है। सूर्य देवता पहले अपने मित्र यहाँ पर मिथुन राशि में चल रहे थे और उसके बाद 16 जुलाई के बाद वो कर्क राशि में आकर विराजमान हो जा रहे हैं, जिससे स्टूडेंट्स को कोई विशेष परेशानी नहीं नजर आ रही है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा ही समय दिखाई दे रहा है। परंतु जब शुक्र मंगल का जो जोड़ है वो आपकी कुंडली के पंचम भाव में होगा, तो उस समय पर जैसे जैसे मंगल का प्रभाव बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी पढ़ाई में जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़ेगा और आपकी पढ़ाई में इस समय पर इम्प्रूवमेंट दिखाई आपको क्लियर तौर पर देगा। आप जो चीज़ें याद कर रहे हैं उसे रिटेन कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। प्रैक्टिस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने की वजह से भी आपको काफ़ी अपने आप पर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और साथ साथ यदि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अभी जुलाई में ही हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा बना हुआ है, उसमें आप अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद कर सकते हैं। चलिए भक्तगणों, हमने आपके जीवन के हर पहलू की यहाँ पर चर्चा कर ली है। अंत में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उस उपाय की जिससे आप जुलाई 2021 को अपने लिए और बेहतर बना सकते हैं। तो जुलाई 2021 में आप क्या ऐसा कर सकते हैं जो कि आपके समय में और सुख शांति समृद्धि लेकर जुलाई 2021 का यह महीना आपके लिए आपके घर में लेकर आए। तो इसके लिए आप क्या करें कि मंगल से संबंधित उपाय आपके लिए बहुत ज़्यादा इस समय पर लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि मंगल ही इस समय पर सबसे ज़्यादा अड़चन आप लोगों के लिए खड़ी कर रहे हैं। मंगल आपके राशि के स्वामी भी हैं, आपके लग्न के स्वामी हैं, तो मंगल को प्रसन्न करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। और मंगल को प्रसन्न करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। हर मंगलवार को यदि आप बंदरों को गुड़ और चना खिलाते हैं तो इससे मंगल देवता प्रसन्न होते हैं। देखिए इसके पीछे का जो लॉजिक है उसको भी आप समझ सकते हैं कि मंगल की जो बंदर हैं वो एक तरीके से हनुमान जी के सूचक हैं और मंगल देवता जो हैं वो भी हनुमान जी की उपासना करने वाले भक्तों पर अपनी कृपा बनाकर रखते हैं। तो यहाँ पर मंगल देवता के प्रसन्न करने के लिए आप बंदरों को विशेष तौर पर मंगलवार के दिन गुड़ और चना अपने हाथों से खिलाएं या फिर अरेंजमेंट करें उनके खाने का, तो ये आप लोगों के लिए एक सर्वोत्तम उपाय रहेगा जो पूरे जुलाई 2021 में आपके लिए सुख शांति और समृद्धि लेकर आ सकता है। चलिए भक्तगणों, आज के हम इस प्रोग्राम को यहीं पर चर्चा को विराम देने वाले हैं। आशा करता हूँ आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और आप अपने रिश्तेदारों नातीदारों और मित्रों के साथ व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया माध्यमों से इस प्रोग्राम को शेयर करेंगे। यहाँ पर आप इस प्रोग्राम को लाइक भी ज़रूर कर दें और ऐसे ही इसी प्रकार हर महीने हमारे साथ जुड़े रहें। हर महीने हम आपको इसी प्रकार
ग्रह गोचर के आधार पर राशिफल बताएंगे और अपने महीने को और बेहतर बनाने के उपाय आपको बताएंगे। चलिए भक्तगणों, अब आज की चर्चा को यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। अब मुलाकात होगी आपसे अगले महीने, तब तक के लिए जय शनिदेव।